हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे IOCL मार्केटिंग डिवीजन का, जो आपका ईस्टर्न डिवीजन की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया था उसका अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम चल रहा था। आपको पता है कि 10 फरवरी तक उसका डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कल से जो है जो भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओके हो चुका है, यानी कि उनका वेरीफाई हो चुका है, उनको यहाँ पे ऑफर लेटर यहाँ पे रिसीव होना शुरू हो चुका है उनके ऑफिशियल मेल आईडी पर। मैंने इसके रिगार्डिंग कल ही टेलीग्राम के माध्यम से आपको वहाँ पे अपडेट दे दिया था, और साथ में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मैसेज भी आने लगे इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में। तो मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट वहाँ पे दे दिया था, और जो भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वारी जा रहा था मैं वहाँ पे सॉल्व भी कर रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके बारे में, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो के एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बारे में बात करेंगे, जो आपका ऑफर लेटर यहाँ पे आया है उसमें आपका क्या कुछ दिया गया है, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किस तरह से बनवाना है, जो आपको अपडेट के बारे में बताया गया वो सब चीजें क्या है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। कहां पे आपको मेल करना है, ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। उसका पहला चैनल बनाया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो शुरू होने का पहले एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहां पे जिन भी कैंडिडेट्स का यहां पे फाउंड यहां पे ओके लिख रहा है, उनका यहां पे डीवी का कॉल लेटर यहां पे आना शुरू हो चुका है, और साथ में काफी सारे कैंडिडेट्स का यह भी क्वेरी जा रहा था कि अभी तक उनका नो रिमार्क्स फाउंड हो रहा है। सबसे पहले मैं उनको यहां पे निश्चिंत कर दूं कि देखिए, आपका नो रिमार्क्स फाउंड यहां पे आ रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी 10 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, तो अभी डीवी का काम यहां पे चल रहा है, तो जैसे ही आपका यहां पे डीवी कंप्लीट हो जाएगा आपका भाई फाउंड ओके हो जाएगा, और आपका यहां पे जल्द ही जो है ऑफर लेटर भी यहां पे रिसीव हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स का अभी ऑफर लेटर यहां पे रिसीव होना शुरू हो चुका है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका जल्द ही ऑफर लेटर यहां पे रिसीव हो जाएगा, और जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड कर दिए, जो भी फॉर्मेट आपके लिए बताया गया है। मैंने इसके रिगार्डिंग काफी सारे वीडियो बना चुके हैं, तो एक बार आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, एक बार हमारे चैनल को भी चेकआउट आप जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आप देख लेते हैं आगे जिनका यहाँ पे ऑफर लेटर रिसीव हुआ है उनके बारे में। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, जिनका भी यहाँ पे ऑफर लेटर रिसीव हुआ है उनको कुछ इस तरह का आपको मेल यहाँ पे आया होगा, ऑफर लेटर फॉर ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिस इन IOCL ER यानी कि ईस्टर्न रीजन, ये आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ मेल आपको आया होगा। उसमें बताया हुआ है डियर कैंडिडेट्स, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया होगा, उसके बाद आगे इसमें आपको बताया गया है कि इनक्लोज हेयर विद इन योर ऑफर लेटर फॉर ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिस अलॉन्ग विद अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाई एज अटैचमेंट टू दिस ईमेल, यानी कि आपको इसमें जो भी यहाँ पे अटैचमेंट यहाँ पे आपको बताया गया है वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बाकी ऑफर लेटर भी आपको इसमें इंक्लूड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सा आपको अटैचमेंट आया होगा मेल में, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको ऑफर लेटर होगा, दूसरा आपको अफिडेविट होगा, तीसरा आपका डिक्लेरेशन फॉर्मेट होगा, और आपका चौथा जो होगा वो आपका यहाँ पे बैंक डिटेल्स का एक फॉर्मेट होगा, और पाँचवा आपका यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ PEME यानी कि आपका प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जाम जो होता है उसके लिए फॉर्मेट उसमें आपको दिया गया। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, और बाकी उसमें ये उसका आगे बताया गया है कि नोट में यहाँ पे यू मस्ट रिपोर्ट अलोंग विथ ऑनलाइन डीवी कॉल लेटर डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू योर डिजिनेटेड लोकेशन ऑफिस अलोंग विथ अबव डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो भी ऑफर लेटर में आपका डेट यहाँ पे मेंशन है, आप जो भी इसमें डॉक्यूमेंट बताया गया है और साथ में डीवी कॉल लेटर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए उस सभी डॉक्यूमेंट्स को, और साथ में डीवी का कॉल लेटर आप लेके आपको जो भी लोकेशन बताया है वहाँ पर आपको पहुँच जाना पड़ेगा, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उस सभी को लेकर। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन सा फॉर्मेट हमें बताया गया है, और पहले देख लीजिए आपको ये फॉर्मेट ऑफ अपडेबिट के बारे में क्या है। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि अपडेबिट क्या होता है। देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पे अपडेबिट का यहाँ अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी मतलब होता है हलफनामा, आप इसे बोल सकते हैं, जो कि आपको इसमें दिया गया है कि इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको यहाँ पे अपडेबिट बनाना होगा। ये अपडेबिट कहाँ पे बनेगा, तो देखिए, ये आपका यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे जहाँ कोर्ट कचहरी पड़ता है वहाँ पे आप जाइएगा, जो भी यहाँ पे नोटरी होते हैं वो आपको अपडेबिट बनाकर दे देंगे, या जो भी वकील वगैरह होता है उससे आप संपर्क कीजिएगा। इसमें ये बताया गया है कि आपको नॉन जुडिशियल आपको स्टम्प पेपर पर ये बनवाना है, जो कि 100 रुपये का पेपर होता है। आपको पता होगा कि एक तरह से काफ़ी सारे कैंडिडेट देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं उसका स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर एक तरह से नोट टाइप का होता है, और उसी पर आपको यहाँ पे एक तरह से स्टम्प पेपर होता है, वो आपको 100 रुपये का स्टम्प पेपर पर आपको जो है ये सब चीज़ें जो है इसी फॉर्मेट के अनुसार वहाँ पर टाइप करवाना रहा है, और आपको बनवा लेना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें हैं, और आप जाकर उससे संपर्क कीजिएगा तो आपको बनाकर दे देंगे। बाकी नीचे आपका सिग्नेचर होगा, नेम ऑफ अप्रेंटिस का आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, ये सब चीज़ें आपको लिखना है, डेट लिखना है, साइन वगैरह आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये आपको जो भी आपका कोर्ट कचहरी होगा वहाँ पे आप जाकर संपर्क कीजिएगा, जो नोटरी होते हैं वो आपको अपडेबिट यहाँ पे बनाकर दे देंगे, या वकील होंगे उस सब संपर्क कीजिएगा, आपको इसमें 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पर ये आपको अपडेबिट यहाँ पे बन जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करें कि नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, ये आपका डिक्लेरेशन बाई अप्रेंटिस दिया है, यानी कि आपके द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा
पड़ेगा जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग के समय जाइएगा, उस समय आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आपको नेम ऑफ कैंडिडेट्स भरना है, IOCL का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और साथ में जो नेट्स या BOPT का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे जो अप्रेंटिस वाला है। उसके बाद स्टेट हुआ, डिसिप्लिन हुआ, ट्रेड हुआ, क्वालिफिकेशन हुआ, उसके बाद स्पेशलाइजेशन हुआ, बाकी यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, अब जो भी डिप्लोमा ग्रेजुएट है उसका पासिंग ईयर भरना है, कॉलेज का नाम वगैरह सभी डिटेल आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। सब चीज़ें आप देख लीजिए किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ में यहाँ पे आधार नंबर ऑफ अप्रेंटिस एज पर आधार कार्ड का जो भी यहाँ पर नंबर होगा, बाकी आपको इसमें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको कर देना पड़ेगा। तो ये सभी का आपको क्या कीजिएगा, आप एक बार प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसमें कुछ बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया गया है कि उसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है जहाँ पर आपको ये बैंक डिटेल्स में आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी यहाँ पे आपका है ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, आपका जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर है, बेनिफिशियरी यहाँ पे IFC कोड हुआ, आपका ईमेल ID हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। और इसमें एक और बात बताया गया है कि ए ब्लैंक कैंसिल चेक लिफ रिलेटिंग टू द अबव बैंक अकाउंट इनक्लोज फॉर वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल, यानी कि आपको एक यहाँ पे कैंसिल चेक जो है आपको इसके साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास चेकआउट चेकबुक नहीं है तो आप अप्लाई कर लीजिए, बैंक से आपको मिल जाएगा और आपको जो है ये चेकबुक जो आपका कैंसिल चेकबुक आप लगाइएगा क्योंकि आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना होगा। ये जो बताया गया है कि ये जो आपका यहाँ पे बैंक डिटेल्स है ये जब आप यहाँ पे भरकर और आपका चेकबुक यहाँ पे कैंसिल जो आपका चेक है वो आप यहाँ पे लगा देंगे, जो भी आपका मेडिकल में आपका यहाँ पे पैसा लगा होगा वो पैसा भी आपको यहाँ पे आ जाएगा और साथ में जो भी आगे का यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस होता है तो आपके इसके तहत आप यहाँ पे बैंक डिटेल आप सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका सैलरी वगैरह भी इसके तहत यहाँ पे आता है। उसके बाद आपके यहाँ पे मेडिकल का फॉर्मेट दिया गया, तो आइए एक बार हम मेडिकल को डिटेल्स में देख लेते हैं कि टोटल आपका कितना उसमें पेज दिया गया और कौन कौन सा टेस्ट उसमें शामिल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका मेडिकल का यहाँ पे फॉर्मेट है और ये जो आप फॉर्मेट यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, इसमें आप देखिए इसमें काफ़ी सारे इसमें आपको टेस्ट यहाँ पे दिया गया, आप देख लीजिए कि टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट बिफोर द मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। एक आपको यहाँ पे फोटोग्राफ लगाना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे होना चाहिए, बाकी जो भी आपको इसमें टेस्ट दिया गया ये सभी टेस्ट आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी टेस्ट होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए सभी टेस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया कौन कौन सा टेस्ट आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए आइज के बारे में है, स्पीच टेस्ट है, स्किन वगैरह है, बाकी सब काफ़ी सारे इसमें टेस्ट है, देख लीजिएगा डेट है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर भी दिया गया है और लास्ट में आपको सिविल सर्जन का भी यहाँ पे साइन होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर या आपको यहाँ पे सिविल सर्जन का आपको यहाँ पे साइन कराना पड़ेगा यानी कि CMO का, उसके बाद नेम और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद डेट होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सील लगवाना पड़ेगा, मोहर लगवाना पड़ेगा और इसके साइड में आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एग्जामिन डॉक्टर जो आपका डॉक्टर यहाँ पे एग्जामिन करेंगे उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट होगा और यहाँ पे आपका मोहर होगा। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है, बाकी यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, नाम है, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा और जो भी इसमें टेस्ट आपको दिया गया है सभी टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। देखिए आपको मेडिकल के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, देखिए सबसे यहाँ पे क्या है कि आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी अस्पताल होंगे वहाँ पे आप जाइएगा, जो आपके जिला अस्पताल होंगे वहाँ पे आप जाकर बताइएगा कि मेरा यहाँ पे IOCL में अप्रेंटिस के लिए हुआ है, वहाँ पे हमें मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उसका एक फॉर्मेट है, हमें ये टेस्ट यहाँ पे करवाना है, तो जाइएगा वहाँ पे करवा लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि IOCL ने ये भी इसमें बोला है कि आपको 3,000 आपको यहाँ पे मेडिकल के लिए भी दिया जाएगा, यानी कि 3,000 से अधिक आपका खर्च होता है लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको 3,000 तक आपको IOCL यहाँ पे देगा। अगर आप 3,000 से अधिक करते हैं फिर भी आपको 3,000 ही देगा क्योंकि IOCL ये बोला है कि जो भी मेडिकल में आपका खर्च होगा वो 3,000 आपको यहाँ पे IOCL की तरफ से आपको यहाँ पे पेड किया जाएगा, तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये बातें मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इस तरह से आप अपना मेडिकल यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो ये जो मेडिकल है ये आपको खुद से बनवा के ले जाना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और ये जो फॉर्मेट है आप जो है साइबर कैफे में जाकर आप प्रिंट करा लीजिएगा और इसी फॉर्मेट जो जो टेस्ट है आप यहाँ पे करा लीजिएगा और बढ़िया से उससे जो भी फिल करना है भर लीजिएगा, जहाँ पे सिग्नेचर है करा लीजिएगा, सिविल सर्जन वगैरह का साइन है सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, मोहर वगैरह लगा लीजिएगा और तो आपको इस तरह से कुछ आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको बनवाना है। तो ये था आप इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे ऑफर लेटर के बारे में देख लेते हैं कि उसमें आपको क्या बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑफर लेटर है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं जिनका DP यहाँ पे हो चुका है तो उनको ये यहाँ पे ऑफर लेटर यहाँ पे रिसीव होगा, एक अटैचमेंट आपका ये भी होगा ईमेल में 31/1/2022 को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नेम वगैरह होगा, यहाँ पे आपको नेम वगैरह होगा और आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 और यहाँ पे आपका जो भी लोकेशन यहाँ पे अलॉट हुआ होगा जो भी यहाँ पे IOCL यहाँ पे उनका नाम होगा। और उसके बाद इसमें कुछ यहाँ पे बताया गया है मेडिकल के बारे में बताया गया है, कितना आपको यहाँ पे छुट्टी वगैरह मिलेगा ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है, साथ में आपको कितना महीने का ट्रेनिंग होगा अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपको अप्रेंटिस वगैरह यहाँ पे होगा, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। मैं अगर आप बोलिएगा तो मैं एक ऑफर लेटर पर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें आपको लीव वगैरह के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है और इसमें आप देखिए
कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि जब आप यहाँ पे लोकेशन पर आप जाइएगा तो यहाँ पे आप देखिए दिया गया कि यू शैल कैरी ऑल ओरिजिनल एंड सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, यानी कि आप जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया ये सभी का आपको ओरिजिनल तो लेकर जाना ही है, साथ में इसका आप फोटो कॉपी भी अपने साथ आप करा लीजिएगा और उस फोटो कॉपी पर आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको कर लेना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी अटैचमेंट दिया है वो तो आप लेकर जाइएगा जो आपका ईमेल पर आया है, और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आप परेशानी नहीं हो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। और साथ में जो PAME है यानी कि आपका प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जाम जो होगा उसका जो सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट पर आपको अपना मेडिकल वगैरह करा लेना है, उसे भी आपको लेकर जाना है, वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। बाकी 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको कलर फोटोग्राफ आप अपने पास रख लीजिएगा, 5 के आप थोड़ा सा अधिक रख लीजिएगा, 2-3 आप बढ़ाकर रख लीजिएगा ताकि वहाँ पर आपको परेशानी नहीं हो। जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय जाइएगा जो भी आपको लोकेशन यहाँ पर अलॉट हुआ है उसमें आपको डेट वगैरह भी यहाँ पर मेंशन होगा। यहाँ पर आप देखिए दिया गया है कि आपके यहाँ पे ऑन और बिफोर आपको 11/2/2022 के पहले यहाँ पे आपको जो है लोकेशन पे यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, 11/2/2022 के पहले आप यहाँ पे जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अपना एक बार डेट आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पे किस डेट को बोला गया है, किस डेट के पहले आपको वहाँ पर जाना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर डाउनलोड कॉपी ऑफ ऑनलाइन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर यहाँ पर दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि ड्यूली पेस्टेड ए पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ कैंडिडेट, यानी कि अगर उससे फोटोग्राफ चिपकाने के लिए बोला जा रहा है तो जो भी आपका जगह होगा वहाँ पे आप चिपका लीजिएगा। बाकी टेंथ कहाँ पर टेंथ या मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट बोला गया है, 12th अगर आपने किया है तो 12th का रख लीजिएगा, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है एसेंशियल यहाँ पे ITI डिप्लोमा 12th ग्रेजुएशन जिस पर भी आपने अप्लाई किया है उसका पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप सभी अपने पास रख लीजिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स आप कंजूसी मत कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने पास वहाँ पर रख लीजिएगा ताकि परेशानी आपको नहीं हो। बाकी यहाँ पे SC ST OBC NCL अगर जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा, साथ में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रख लीजिएगा, ID प्रूफ के रूप में वहाँ पर मांगा जाएगा। बाकी प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है मैंने आपको बताया उसका बतौर एक फॉर्मेट दिया गया है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, उससे आप प्रिंट करा लीजिएगा, अपना टेस्ट करा लीजिएगा। मेडिकल जो है आपको अपने से करवाना है, IOCL 3000 तक आपको पैसा भी पे करेगा जो भी होगा आपको, इसलिए वहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स का भी फॉर्मेट एक दिया गया है जिसमें आपकी कैंसिल चेकबुक भी आपको वहाँ पर लगाना है। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो आप ओरिजिनल लेकर जाइएगा आपका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है। और बाकी दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है ऑल टेस्ट आर मैंडेटरी, यानी कि जो भी टेस्ट है सभी टेस्ट करवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी टेस्ट आप यहाँ छोड़िएगा मत। और उसके बाद दिया गया है कि फिल इन बैंक जो आपका बैंक डिटेल्स का जो फॉर्म दिया गया है उसे भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, और साथ में आपको अलॉन्ग विथ कैंसिल चेक आपको लगाना पड़ेगा, एक आपको चेकबुक अगर आपके पास नहीं हो तो अप्लाई कर दिए चेकबुक ले लीजिए, एक कैंसिल चेक लगाना पड़ेगा, और पेन कार्ड होगा तो पेन कार्ड भी अपने साथ आप रखिएगा, उसको भी उससे भी आपको लगाना पड़ेगा। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो भी इसमें यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिया गया है, आप डेबिट हो या आपका यहाँ पे और भी जो बैंक डिटेल्स का फॉर्मेट है, तो देखिए जो भी फॉर्मेट उसमें दिया गया अगर आप कोई कॉलम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप गलत मत भरिएगा, आप उसे छोड़ दीजिएगा, आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आप पूछ के या वहाँ पर और भी जो कैंडिडेट्स है उससे आप हेल्प वगैरह लेके आप भर लीजिएगा। क्योंकि देखिए गलत आप मत भरिएगा, क्योंकि देखिए जब आपका यहाँ पर ऑफर लेटर आ गया है तो ज्वाइनिंग आपका बिल्कुल होगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, पहले आप जो भी फॉर्मेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कीजिए, आपको जो भी डेट बताया गया उस डेट के पहले आप वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, जो फॉर्मेट में कॉलम नहीं समझ में आता उसे आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप जाकर आप भर लीजिएगा, गलत आप मत भरिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और आप देखिए कि इसमें एक विशाल रिपोर्ट टू लोकेशन इन चार्ज योर साइन लोकेशन इन फिजिकली फॉर ज्वाइनिंग अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज स्टेट ऑफ, यानी कि आपको जो भी लोकेशन बताया गया है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अपने से, और जो भी आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया अपने साथ यहाँ पर रख लीजिएगा। और साथ में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, जाने के पहले आप एक काम यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, एक आपको एक्सपेक्टेंस आपको एक ईमेल भी भेजना पड़ेगा, ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि दिया गया है कि आपको कंफर्म होने के लिए कि यहाँ पे ये कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं या आप ज्वाइनिंग यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लिए, बताया गया कि योर एक्सपेक्टेंस बाय साइनिंग ईच पेज ऑफ दिस लेटर एंड सेंडिंग इट द ईमेल ID जो आपको दिया गया है कि santoshkumarmishra@indianwire.in पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये लेटर है इस पर आपका प्रत्येक पेज पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसे आप प्रिंट करा लीजिएगा और साइन करके आपको इस ईमेल पर आपको यहाँ पे भेज देना पड़ेगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और जब आप ईमेल भेजिएगा तो सब्जेक्ट में आपको क्या यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट आपको कहाँ होता है यहाँ पे स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे काम है बताना। और यहाँ पे आप देखिए कि आप सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेक्टेंस ऑफ इंगेजमेंट एज अ प्रिंट, ये सब्जेक्ट आपका मेंशन होना चाहिए, और ईमेल आईडी में आपको ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा santoshkumarmishra@indianwire.in पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेल
करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका 11/2/2022 के पहले जो आपको लोकेशन बताया गया है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। तो वहाँ पर आप जाइए, आप वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आप जो है लेकर जाइएगा। बाकी कोई क्वारीज होगा नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा, और अभी मैं और भी वीडियो लाऊंगा जिस तरह से आपका क्वारी जाएगा मैं उसके रिगार्डिंग आपके वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँगा। और साथ में इंस्टाग्राम से जुड़कर हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो कैंडिडेट चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ पर 90% लोग जो है चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते जरूर है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जिनका ऑफर लेटर आ चुका है उनको फिर से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका नहीं आया है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपका भी ऑफर लेटर यहाँ पर जरूर आ जाएगा, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी ऑफर लेटर जरूर आएगा, आपका भी ज्वाइनिंग यहाँ पर जरूर होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।